आज हम लोग एक अच्छे चैप्टर मार्केटेबल चैप्टर की हम लोग बात करेंगे, और उस चैप्टर का क्या नाम है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सारी बातें मैं आपको ए टू जेड समझाऊंगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको कोई समस्या फिर भी रही तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएं, उसका भी सॉल्यूशन जरूर देंगे। सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं कार्बन से, और बताओ आपको कार्बन का सिंबल बिल्कुल ध्यान से समझना है। कार्बन कार्बन का सिंबल सी, अटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू एंड फोर, इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए हम इसको कहते हैं टेट्रा वैलेंस। अब टेट्रा का मतलब तो आप जानते ही होंगे, टेट्रा का मतलब चार होता है जिसकी फोर वैलेंसी। देखिए कुछ बातों को पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको कार्बन की बातें बताई, अब इसके आगे की बात तो कार्बन की ही करनी है सारी। लेकिन बॉन्डिंग का भी ज्ञान होना आपको जरूरी है, और बॉन्डिंग सिर्फ कार्बन के चैप्टर में नहीं, मेटल नॉन मेटल में भी है बॉन्डिंग। वैसे तो कई सारे टाइप के आप पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल बॉन्डिंग एक कोवेलेंट बॉन्ड में और दूसरा आयनिक बॉन्ड, दो टाइप के बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब हम देखें कि कोवेलेंट बॉन्ड में आखिर होता क्या है। ए बॉन्ड फॉर्म ट्यूब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, और आयनिक ए बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इन बातों को अगर आप समझ जाते हैं तो सारी समस्या वही खत्म है। और दोनों चैप्टर मैंने कहा ना, मेटल नॉन मेटल और इसमें और बाकी केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमने लिखा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आयनिक में लिखा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सपोज करें आप कि दो पर्सन हैं ए और बी, और ये दोनों मिलके एक कंपनी खोलना चाहते हैं ए बी। अब इस ए के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है अकेले में कि वो इस कंपनी को खोले, और बी के पास भी नहीं, ए के पास भी नहीं है, बी के पास भी नहीं है। तो फिर दोनों ने मिलके एक कंपनी ए बी खोलने की सोची,
अब यहां पे दो कंडीशन है, या तो ए भी अपना कुछ परसेंटेज लगाए और बी भी अपना कुछ परसेंटेज लगाए, फिर जो प्रॉफिट लॉस होगा वो दोनों में उनके परसेंटेज के रेशियो से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन तो अगर मान लीजिए ये भी अपना परसेंटेज लगाया, इसने भी किया, तो क्या किया, इसने शेयरिंग की, इसने शेयरिंग की, और शेयरिंग की इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब देखिए, अब इसने कहा कि नहीं भाई, ए ने कहा कि नहीं नहीं मैं शेयर में नहीं करना चाहता, एक काम करो आप अपना सारा पैसा जो भी कर्ज के रूप में दे दो और मैं एक कंपनी अपनी बना लूंगा, या ऐसा ऐसी ही बात ए भी कह सकता है इसको। तो अगर किसी ने ए ने बी को पैसे ट्रांसफर किए या बी ने ए को ट्रांसफर किए, तो एक पॉजिटिव बनेगा तो दूसरा नेगेटिव बनेगा, एक पॉजिटिव बनेगा तो दूसरा नेगेटिव बनेगा, एक धनवान बनेगा एक ऋणवान बनेगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव बन जाते हैं, इसका मतलब यहाँ आयन बन जाता है, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, और जब आयन बन गया इसका मतलब कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी आयनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन हो जाएगी आयन। अब इन दोनों में आप डिफरेंस समझिए कि क्या है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस, दोनों में प्रॉपर्टी, तो मैं आपको बताऊं। आयनिक और कोवेलेंट की देखिए, अभी आपने देखा ना कि आयनिक जो है वो ट्रांसफर से बना, और ट्रांसफर का मतलब इसमें आयन से फॉर्मेशन, और कोवेलेंट शेयरिंग से बना। अब ये तो कॉमन चीजें हैं, शेयरिंग वाला बिजनेस स्टेबल होता है, यानी पैसा सिक्योर होता है या इसमें सिक्योर होता है, वही शेयरिंग में तो कभी भी मनमुटाव हुआ, चल भाई तू कौन मैं, लेकिन ट्रांसफर में मनमुटाव हो या कुछ हो पैसे तो वापस करने पड़ेंगे, यानी कि यहां बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है और लो वैल्यू पर बॉन्डिंग वीक होती है। अब यही पे सारा गेम है, अगर शेयरिंग वीक है आयनिक स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कि जनरली जो फिजिकल स्टेट होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के, तो ये जनरली सॉलिड पाए आयनिक, और ये जनरली इसका फिजिकल क्या होगा, या तो गैस होगा या लिक्विड होगा। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा है कि जिसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं वो सॉलिड होता है, जिसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स वीक होते हैं वो लिक्विड या गैस में होता है। अब जब इतना ही आपने समझ लिया, तो अब यहां से आप हर एक बातें समझ सकते हैं, ध्यान से समझते जाइए, चैप्टर समझने वाला है, और अगर आप समझ गए तो 12 से 14 मार्क्स आपके बड़े आराम से हैं। देखिए, तो अगर सॉलिड है इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, क्योंकि ये गैस है लिक्विड, कुछ कैसे में होते हैं सॉलिड, इसलिए मैंने वहां पर बिल्डिंग पाई। तो ये डिफरेंसेस हैं आयनिक और कोवेलेंट। अब एक बात और मॉडलिंग की करें, समझ गए होंगे, आप चाहें तो
अच्छे से देखें, समझें, नोट करें। अब आगे की बात करते हैं, टाइप ऑफ थॉट। जब तक बेसिक नहीं होगा तो पता नहीं चलते। हम कहते हैं ना, सिंगल मोड, डबल मोड, ट्रिपल मोड। अभी मैं कार्बन पे जब आऊंगा तो इसकी चर्चा वहां करेंगे। धीरे धीरे अब सारी चीजें ट्रैक पे ला रहा हूं। इसका मतलब कि आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब लाइक करें, आपको मेरा वीडियो समय से मिले, और वो भी 24 आवर आपके लिए मैं तैयार हूँ। हाँ, मानता हूँ कमियां हर किसी में होती है, तो कमियों के लिए क्षमा, लेकिन जो अच्छाई है उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल मोड। अब इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। देखिए, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। H2 का मतलब है कि दो हाइड्रोजन, इसको हम दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि जनरली जो एलिमेंट है वो जब 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट कंप्लीट होता है तब वो स्टेबल होते हैं, और हाइड्रोजन बेचारा 8 कहां से लाएगा, तो इसका ड्यूएट होता है, दो इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तब ये स्टेबिलिटी कहता है। ये कहता है भाई, ये हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, ये बात कर रहे हैं किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन कहता है कि भाई ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन आप मुसीबत में मेरे को दे देना तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। ये कहता है कि ओके, आप भी जब मुझे मुसीबत आए ना तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देना। यानी इन दोनों के बीच में आप देखें क्या बॉन्डिंग बनी, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ऐसे मैं बात करता हूं O2 की, तो ऑक्सीजन का एक पर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2 और 6 हो गया, यानी कि अब यहां पे दो ऑक्सीजन O2 है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये ड्यूएट नहीं करेगा, अब तो ये ऑक्टेट करेगा ना, अब तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास ऑक्सीजन के पास, तो ये 6 नहीं है। ये कहता है भैया ऐसा करना, मुसीबत के टाइम में 2 इलेक्ट्रॉन आप मेरे को दे दे। ये भी कहता है ओके, आप भी मुसीबत में आसान पड़ी भयंकर सी आसान आप लोग, तो अगला भी आसान लेगा, है ना। तो अब ये देखिए, ये यानी दोनों के बीच में जो शेयरिंग होगी वो डबल बॉन्ड की। और इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन के 7 होते हैं, 2 और 5 यानी 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। और अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन बनाया और इसको भी दिया हमने 5 इलेक्ट्रॉन, इसको भी दिया 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 तो है तो 8 पूरा करने के लिए 3 मांगेगा इससे, इसके पास भी 5 है, 3 की इसे भी दरकार है, यानी कि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन है। तो जिसको जैसी आवश्यकता होती है उस अनुसार से वो बॉन्डिंग क्रिएशन करते हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन वो करते हैं, कोई डाउट नहीं। अब मैं वापिस आता हूं कार्बन पे, ये मुझे बेसिक बात है इसलिए बतानी पड़ी, क्योंकि जब ये सारी चीजें मैं वहां बोलूंगा मेन चैप्टर में तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, और मेरा मोटो ये नहीं है कि कुछ भी पक्के भाग जाना। मैंने पहले ही कहा है और अभी तो बहुत कुछ कहूंगा, इस कलर में बहुत कुछ है। तो धीरे धीरे
अभी मेरा फोटो सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाके और फिर सिर्फ पढ़ाई का मौका होता है। पैसे तो यार दो ऊपर नीचे किसी के पास होते ही नहीं है ना, लेकिन एग्जाम शोहरत ये सबसे बड़ी चीज होती है। अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्मा। ध्यान से समझिएगा, कई टाइप में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि वाई कार्बन फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड, सो मेनी कंपाउंड, कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है मालूम है? केमिस्ट्री में वैसे तो हम जो कभी रनिंग है मैं आ जाता हूँ, हैबिट है केमिस्ट्री में, हम इनऑर्गेनिक कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल भी कहते हैं, लेकिन मैं दो ही की बात अभी कर रहा हूँ आपसे। तो अब आप ये देखो कि ऑर्गेनिक का एक अलग से ब्रांच बना दिया गया है, एक पूरी खाता वही ऑर्गेनिक की अलग से का है भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक में हम स्टडी करते हैं किसकी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अब हमारे माइंड में एक बात आती है ना कि भाई कार्बन में ऐसी क्या बात है, कार्बन की एक अलग से ही दुनिया बसाने गई, जाने क्या बात ऐसी है तुझमें शर्म। अब इस बात को तो पता लगाना ही पड़ेगा, इसी बात को मैं बताना चाह रहा था कि वाई कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड, इतने सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों करता है। देखिए दो बेसिक बातें तो बेटा दो बेसिक बातें तो समझना है, एक टेट्रावेलेंसी और दूसरा कैटेनेशन। टेट्रावेलेंसी अभी अभी बताया था मैंने आपको, जब मैंने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखा था, टू और फोर, यानी किसमें फोर वैलेंसी होती है, चार वैलेंसी है, समझ रहे हैं ना, आठ पूरा करना है या चार को हटाना है। तो इसके पास बहुत सारे काय, बहुत सारे टॉपिक्स। और कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन। अब देखो सर, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कार्बन का कार्बन से ही जुड़ना, पता है आपको, अभी अभी दिखाया था मैंने आपको कि हाइड्रोजन, जब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस है तो हम लिखते हैं H2, H3, H4 नहीं होता, हम लिखते हैं, कहते हैं ऑक्सीजन तो O2, O3 कहते हैं तो ओजोन हो जाता है, वो तीन जुड़ते हैं, चार पांच सात नहीं जुड़ते। नाइट्रोजन N2, तीन चार पांच छह नहीं जुड़ते, लेकिन कार्बन, अरे बाप, कार्बन 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 जितने कार्बन जोड़ते हैं जोड़ते क्या होगा, पूरी चेन बन जाए। तो अपने आप से जुड़ने को हम कैटेनेशन कहते हैं। एक कार्बन ही ऐसा है जिसको अपने आप, एक सल्फर होता है, सल्फर में एक तक S8 आपने सुना, लेकिन ये नहीं है कि मन मर्जी से जितने सल्फर जोड़ लो, नहीं होता, कार्बन होता है बस, आई सोच।
तो अब ये दो बातें, तीसरी बात भी बताता हूं। तीसरी बात क्या है, कैटेनेशन बताया आपको, टेट्रावेलेंसी बताया, तीसरी बात अभी अभी बताया, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल मॉट। देखिए अभी बताया था ना कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, अरे इसमें तो ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, सारी प्रॉपर्टी इसी के पास, इसलिए तो इसका संसार अलग है। अब इसके अगले टॉपिक पे देखो, मैं टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूं, आप जहां भी नोट्स से पढ़ेंगे समझेंगे और बिल्कुल मेरी बातों को आप जितना ज्यादा सुनेंगे समझेंगे वो बेनिफिशियल होगा। लोग आजकल ज्ञान समझते हैं, बस यही दिक्कत है कि कंसंट्रेशन नहीं, और कंसंट्रेशन को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा टॉपिक ज्यादा है इसलिए आज मैं बातें आपसे कम करूंगा। तो अब बात करते हैं हम एक वर्ड, हाइड्रोकार्बन। इतना देख के ही लग रहा है ना कि एक तो इसमें हाइड्रोजन है और दूसरा कार्बन है, तो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन मिल जाए दोनों रहना चाहिए, एक से कम नहीं है, लेकिन जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो और बाकी कुछ भी हो, हाइड्रोजन कार्बन होना जरूरी है बाकी कुछ भी हो, वो सब हाइड्रोकार्बन। तो कंपाउंड हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी, हाइड्रोकार्बन को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी, एक को कहते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का सिर्फ एक कैटेगरी होता है, दैट इज कॉल्ड अल्केन, और अनसैचुरेटेड के दो कैटेगरी होते हैं, एक को कहते हैं अल्कीन और दूसरे को कहते हैं अल्काइन। तीन बेल्ट बांध के आराम से पढ़ते जाइए, एक एक टॉपिक बताऊंगा, समझा के बताऊंगा, बसरते की स्किप कीजिएगा ना वीडियो में, तब तो आया राम गया राम। तो सैचुरेटेड में एक अल्केन आता है, अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है PnH2n+2, अल्कीन PnH2n और अल्काइन PnH2-. अब आप देखिए, ये तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूले बताए, नॉमेनक्लेचर साथ की साथ चल रहा है, एकदम समझते जाइएगा। अब कुछ बातें, जैसे नंबर ऑफ कार्बन किसी कंपाउंड में अगर आपको एक नजर आता है, दो नजर आता है, तीन चार पांच, एक वाले को हम क्या कहते हैं जनाब, मिथ। तो इथ है, तीन
प्रोप है, मैं सफिक्स प्रिफिक्स में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी आप ज्यादा उलझो एग्जाम टाइम में. इफ इट प्रो ब्यूट पेंट हेड्स एप ऑफ नॉन, इस तरह से चलते ऑन टेक लोटे अंडेक ऐसे करके चलते. फिलहाल आपने ज्यादातर शाम तक टेक्स्ट. अब देखिए दो चीजें बड़े ध्यान से समझना. आप ये फॉर्मूला अच्छे से आप नोट कर लिए, अभी बहुत काम आने वाला है. अब तो अब देखें, अब एक बात हम करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की और दूसरी बात करेंगे हम यहां पर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला. फिर से कह रहा हूं भगवान में आ गया और यहीं से आप समझ लें संस्कृति से लेके और पढ़ाई संस्कार हर चीज है अपने पास. ऑनलाइन आया बहुत सारी चीजें अभी आपको दे रही है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस जनरल फॉर्मूले से लिखा जाता है जो मैंने अभी आपको तीनों का बताया. जैसे मैंने कहा कि आप हेक्सेन का फॉर्मूला लिखें. हेक्सेन एकदम ध्यान से समझना, कुछ नहीं है. हेक्स मतलब सिक्स, एन मतलब अल्केन. अल्केन का फॉर्मूला अभी अभी लिखवाया था ना आपको, CnH2+2. अब जहां भी एन है ना वहां पे हमें कितना पुट करना है, सिक्स, क्योंकि हेक्स में सिक्स होते हैं. हेप होता तो सेवन होते, ब्यूट होता तो चार होते. तो हेक्सेन एन जहां की है वहां पे हमें पुट कर देना है सिक्स. तो सी सिक्स एच सिक्स टू या ट्वेल्व और टू फोर्टीन. यह आ गया फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया हेक्सेन. और अब लिखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. कितने कार्बन है, सिक्स ना, और मैंने अभी कैटेनेशन समझाया था ना, कार्बन जितने चापो उतने तो जोड़ो सी सी सात हो गए, एक प्रॉब्लम सिक्स हो गए. अब किस सिक्स में कार्बन की वैलेंसी याद है ना आपने, कितनी टेट्रा वैलेंसी है, फोर है. तो कार्बन के पास चार से जुड़ने का और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुंह फाड़ के खड़े हैं, आओ इससे जुड़ो तब तो स्टेबल होगा. एक तो ये जुड़ा हुआ है ऑलरेडी कार्बन, अगर इस कार्बन की फर्स्ट कार्बन की बात करूं तो एक जुड़ा हुआ है, तो बस ये तीन, ये लो तीन बना लिए. इस कार्बन का देखो दो तो ऑलरेडी ये जुड़ा हुआ है कार्बन से, ये दोनों छोर जुड़े हुए हैं, यानी कि दो और खाली है इसके पास, दो इसके पास भी खाली है, दो इसके पास भी, और इसके पास वापस तीन खाली है, चार लगे होने चाहिए. और जहां जहां भी खाली है वहां हाइड्रोजन है,
ये बन गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला, आप गिन लो ना, सिक्स हो गए कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 हाइड्रोजन हो गए, हो गया कंप्लीट। अब इसी के साथ साथ एक और बात मैं बता भी, जैसे मैं बात कर लेता हूं ब्यूटीन की, ब्यूट, ब्यूट का मतलब चार, ईन का मतलब अल्कीन, और अल्कीन का फॉर्मूला हमें पढ़ा सी एन एच टू। अब एन की जगह क्या पुट करेंगे, फोर, तो सी फोर एच एट। अब देखो ये तो मैंने किसका बनाया बेटा, ये है हेक्सेन का। अब मैं यहीं पे बनाता हूं इसका ब्यूटीन का चार का, देखना ध्यान से, ये बात तो मैं बताना ही भूल गया, क्या बता दिया, नहीं बताया तो देखिए, अल्के अल्की और अल्काइन अभी लिखा था ना, तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड, जो सैचुरेटेड कंपाउंड है सिंगल बॉन्ड, अल्केन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां अल्कीन है, अल्कीन में कितने बॉन्ड, डबल, तो किसी एक को आप डबल करते हैं, इसी एक को, आपकी मर्जी, नमन क्लेजर में हम लोग देखेंगे क्या होता है इसके साथ, किसी एक को कर दिया डबल। अब देखो जैसा मैंने बताया इस कार्बन के चार पूरे होने हैं, एक ऑलरेडी है, दो तीन चार, इसके तीन हो गए चार, इसके तीन हो गए चार, इसके तीन पूरे हो, चार पूरे होने हैं। अब देखो जहां जहां खाली है वहां वहां हमने लगा दिया हाइड्रोजन, और साहब देखो जरा गिन के, सी फोर तो हुआ ही, एच देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया ना, ऐसे लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। पता कोई दिक्कत है ना, तक इतना इजी कंसेप्ट, थोड़ा सा, और कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै त्रिगुरवे, गुरु कोई भी हो सकता है, चाहे कोई बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, जिससे हम कोई बातें सीखते हैं वो गुरु, और गुरु हो परमात्मा हो, जब तक हम उनमें विश्वास नहीं रखते तब तक ना तो दुआ असर करती ना दवा असर करती, विश्वास रखना बहुत जरूरी है। आप आधुनिक युग में अगर डॉक्टर के पास भी चले जाओ और वो पेशेंट कितनी अच्छी दवा दे, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है ना कि नहीं यार ये डॉक्टर अच्छी दवा देता नहीं, यकीन मानिए आप में वो फिर दवा कामयाब होगी ही नहीं, होगी भी तो देर से, तो विश्वास ही बड़ी चीज है, और कंसंट्रेशन। देखिए मेडिटेशन योगा ये सारी चीजें मैं बार बार कहता हूं कि ये चीजें हमेशा माइंड को कंसंट्रेट करती है, हमारे सिस्टम को बिल्कुल सही तरीके से चलाती है। अब हम बात करते हैं एक और बता करके मैं आगे बढ़ूंगा, और वो है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप शॉर्ट में लिखता हूं, अल्काइल ग्रुप, देखो अल्केन पढ़ा आपने, अल्कीन पढ़ा आपने, अल्काइल पढ़ा, ये अल्काइल है, अल्काइल वाई एल, और पता है कार्बन में अभी आपने देखा सब जगह हाइड्रोजन जुड़ा था, अगर कोई दूसरा आके जुड़ेगा ना, अभी मैं बताऊंगा जैसे कोई क्लोरीन ब्रोमीन या कोई फंक्शनल ग्रुप आके कोई भी जुड़ेगा तो जुड़ेगा कहां, सब जगह तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को एक को भगाएगा, सीट खाली करेगा, भरी
बस में अगर आप बैठ जाएंगे तो मतलब चढ़ेंगे मिनी बस में तो भाई कहाँ बैठेंगे, कोई ना कोई सीट तो खाली करवानी पड़ेगी ना, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ता है, भगाना पड़ता है। और हाइड्रोजन को जब भगाना पड़ता है, अगर आप अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब जाकर के वो बन जाता है अल्काइल। जैसे मिथेन, मिथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। अब इससे हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो अब ये CH3 हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल सुनते हैं ना कि कॉमन नेम, तो अल्काइल ग्रुप मुझे बताना था। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, और जैसे तो सोच के मैं ये आया था आज, आज आपकी सारी खत्म ही कर दूंगा मैं कार्बन को, लेकिन सोचता कुछ और हो, कुछ और हो जाता है भाई, वो हड़बड़ बड़वा का काम नहीं होगा जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मेरी बात ही नहीं समझ में आए तो काहे को डांटा वाटा खींचा कर रहे हो, है ना। तो अब आते हैं एक लास्ट टॉपिक, मैं आपसे बात करता हूँ फिर बाकी बातें समाज मांगते हुए मैं कल पूरा करूंगा, है ना। तो फंक्शनल रूप क्या होते हैं, ये हमारे समाज का वो बदमाश बच्चा है, कहते हैं ना जैसे क्लास में बिल्कुल बहुत अच्छी क्लास और उसमें एक आध बच्चा खतरनाक आ गया बदमाश टाइप का, अब क्या करेगा वो, जो क्लास अभी तक बिल्कुल शांत थी उसमें आप देखेंगे धीरे धीरे बदमाशों की और संख्या बढ़नी शुरू हो जाए, यानी कि वो अपनी तरह लोगों को बनाना शुरू कर देता है। फंक्शनल ग्रुप यही है, कहता है कि एक ग्रुप और कंपाउंड डी एजन करते, चलो ऐसे ग्रुप की छोड़ देते हैं, एक ग्रुप विच मैन एडेड टू एनी हाइड्रोकार्बन चेंजेस इट्स प्रॉपर्टी, चेंजेस इट्स प्रॉपर्टी टू इटसेल्फ। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में जुड़ता है तो उसकी प्रॉपर्टी अपनी तरह बना देता है, हम जैसे हैं वैसे ही अभी कार्बन, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। अब देखें तो भाई फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल आ जाता है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्जिलिक एसिड है, ये सारे आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप में। अल्कोहल के लिए OH, एल्डिहाइड के लिए क्या होता है बेटा CHO, CO, COOH, इसके लिए ओल लगाते हैं, अल लगाते हैं, ओन लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जो जहां जुड़ेगा हाइड्रोकार्बन में तो उसको अपनी तरह ये घुमा देगा। देखें कल के एपिसोड को, यानी कल के वीडियो को आप छोड़ के बिल्कुल मत जाना, क्यों, मुझे एकदम पूर्ण विश्वास है कि आप अगर अच्छे से इसको देखेंगे तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। और कल हम लोग फिर होमोलोगस थ्री बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद स्टॉप और डिटर्जेंट की बातें भी करेंगे। थैंक यू।
साथ ही साथ किस तरह से वैल्यू एडेड क्वेश्चंस हैं और किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, इसकी भी बातें आपसे करेंगे। थोड़ा करें, अच्छा करें। और मैं आपको ये वादा करता हूं, 100% वादा करता हूं कि जो इस चैनल पे मैं दे रहा हूं वो आप ढूंढ लें, क्योंकि इसके पीछे रिसर्च है, इतने दिनों की और सबसे बड़ी चीज है परमात्मा। और फिर से मैं कहूंगा, कंसंट्रेशन बनाइए, एक रूटीन में आइए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लास्ट में फिर वही बात है, जो लोग कहते हैं सब्सक्राइब वगैरह तो जो लाइक और ये वो करते हैं वो करते रहिए, मेरा काम अपने कर्म करने के वो करो। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।